नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एग्जाम जीके में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, जिसमें वर्तमान में कौन क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं वर्तमान में कौन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। इसमें है सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली। यहां पे जो शब्द है बीसीसीआई, बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और बीसीसीआई की स्थापना यहां पे हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए। बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए, ये है जय शाह है, जो बीसीसीआई के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। यहां पे जो नाम आया है आरबीआई का है भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और अगला क्वेश्चन है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ये है शरद अरविंद बोबड़े, जो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के महासचिव कौन हैं। देश दीपक वर्मा है, जो राज्यसभा के नए महासचिव चुने गए हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता जो हैं श्री गुलाम नबी आजाद, जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। वो हैं मल्लिकार्जुन राव, जो पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए। एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए, अनुप कुमार। यहां पे जो नाम आया है एनएसजी, इसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और एनएसजी का नया मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर है रजनीश कुमार, जो नए एसबीआई के गवर्नर चुने गए हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां है एसबीआई का, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, पीआईबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। वह है के एस धतवालिया, जो पीआईबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। यहां पे नाम आया पीआईबी, इसकी फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी। वह है रेखा शर्मा, जो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव, जो लोकसभा के नए महासचिव चुने गए। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जो नए देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में चुने गए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नई प्रमुख कौन बनी है। वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख बनी है। यहां पे अगला क्वेश्चन है, UIDAI के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए। वो हैं पंकज कुमार, जो UIDAI के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। यहां पे जो नाम आया UIDAI, इसे कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका UIDAI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एसएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। एसएससी के नए अध्यक्ष हैं ब्रिजराज शर्मा।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एसएससी का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। और एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? एलआईसी के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया? वो है एम आर कुमार, जिन्हें एलआईसी के नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यहां पे जो नेम है एलआईसी, एलआईसी के फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? यानी हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? वो है के वेणुगोपाल, जो अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जो हमारे देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया? वह है डीवी सदानंद गौड़ा, जिन्हें हम रसायन और उर्वरक मंत्री चुना गया है। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन, अब इनका करेंगे आप रिवीजन, जो इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे। चलिए तो अभी करते हैं इनका 1 से लेकर 20 क्वेश्चनों का रिवीजन। रिवीजन शुरू। पहला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त है? वो है सौरभ गांगुली। दूसरा क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन नियुक्त है? वो है जय शाह। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वह है शरद अरविंद भोबड़े। पांचवा क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? वह है देश दीपक वर्मा, जो राज्यसभा के महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? श्री गुलाम नबी आजाद, जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? वह मल्लिकार्जुन राव, जो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुने गए हैं, वह मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? अनूप कुमार, अनूप कुमार एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? रजनीश कुमार, रजनीश कुमार कौन है? एसबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, पीआईबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? वह है के एस धतवालिया, पीआईबी के नए महानिदेशक कौन है? के एस धतवालिया। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? वह रेखा शर्मा, जो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? वह है स्नेहलता श्रीवास्तव, यानी स्नेहलता श्रीवास्तव कौन है? वह है लोकसभा के महासचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इसका आंसर है अजीत डोभाल, जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के नई प्रमुख कौन बनी है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया, क्रिस्टालिना जॉर्जिया कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की प्रमुख बनी। अगला क्वेश्चन है, यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? वह है पंकज कुमार, जो यूआईडीएआई के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एसएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? ब्रिजराज शर्मा, एसएससी के नए अध्यक्ष कौन है? ब्रिजराज शर्मा। अगला क्वेश्चन है, एलआईसी के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया? एम आर कुमार को, यानी एलआईसी के नए चेयरमैन कौन है? एम आर कुमार। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका आंसर है के वेणुगोपाल, जो हमारे देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, यानी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया? डीवी सदानंद गौड़ा को।
रसायन और उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया? डीवी सदानंद गौड़ा को। तो इसी वीडियो में आपको ये जो क्वेश्चन है वह याद हो गए होंगे।